पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद मतगणना जारी है। मतदान गुरुवार सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ और शाम तकरीबन 5:30 बजे तक चला। चुनाव आयोग ने 18 घंटे की देरी के बाद आधिकारिक नतीजे घोषित करना शुरू किए। इसमें ज्यादातर सीटों पर इमरान खान के समर्थक ही जीत रहे हैं। हालांकि फिर भी नवाज को आशा है कि जनादेश उन्हें मिला है। इधर बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी भी तेजी से बढ़त बनाए हुए। बता दें कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, इनमें से 265 सीटों पर ही चुनाव किए गए। एक सीट पर चुनाव टाल दिया गया, बाकी सीटें रिजर्व हैं। सरकार बनाने के लिए बता दें 134 सीटों पर बहुमत होना जरूरी है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच मुकाबला माना जा रहा है। बता दें कि इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP शामिल है। हालांकि फिर भी PTI को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने PTI पर रोक लगा दिया, जिसे माना जा रहा था कि पाकिस्तान की सेना ही कंट्रोल कर रही है ताकि इमरान खान दोबारा से सत्ता में ना आ सके। इमरान खान पहले से जेल में बंद है और उन्हें सजा दी गई है, फिर भी उनके समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर ही लड़ रहे हैं और लगभग आधा से ज्यादा उम्मीदवार जीत की ओर हैं। बड़ी बात यह है कि इमरान खान के जितने भी समर्थक हैं वो निर्दलीय तौर पर भी अपनी बढ़त बना के रखे हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो की पार्टी इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवारों से बेहद कम है, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ की पार्टी भी इमरान खान के समर्थकों के आगे पीछे भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि दोनों के बीच में काफी बड़ा अंतर माना जा रहा है, लेकिन नवाज ने एक रैली में ये बताया कि पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे जब वो जीत कर आएंगे। नवाज का मानना है कि वो चुनाव जीत चुके हैं। नवाज ने कहा कि हम पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं और इसके लिए जरूरी है कि हमारे सभी मुल्कों से बेहतर रिश्ते हों। क्या आप भी यही नहीं चाहते? क्या जंग से किसी मसले का हल निकाला जा सकता है? हमने सिर्फ केंद्र में नहीं बल्कि पंजाब प्रांत में भी जीत हासिल की है। स्कूल से लेकर अस्पताल तक के लिए दवाइयां और बेहतर शिक्षा के लिए दावे किए। नवाज ने यह भी दावा किया कि 30 साल के युवा ही हमारी ताकत हैं, यूथ ही हमारी ताकत हैं। शहबाज शरीफ ने इनके लिए लैपटॉप का ऑर्डर तक कर दिया है। अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां मिलेंगी, स्कॉलरशिप देंगे। एक बार साथ तो आइए ताकि मुस्तबिल संवारा जा सके। यहाँ मुस्तबिल का अर्थ होता है फ्यूचर यानी भविष्य। नवाज ने समर्थकों से यह भी कहा कि मैं सबसे कह रहा हूँ कि चलिए बैठिए, मुल्क को मुश्किल से निकालें। आप जानते हैं कि हमने मुल्क के लिए क्या किया है, हमने मुल्क की इकोनॉमी और हिफाजत के लिए क्या किया है। आपको बता दें कि नवाज शरीफ को भी जेल हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान को फिलहाल हुआ है। हालांकि सेना जिसको चाहती है उसको जेल से बाहर निकालती है और जिसको जब मन करता है उसको जेल के अंदर ठूस देती है। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या वास्तव में नवाज शरीफ चुनाव जीत चुके हैं या फिर महज उनके बड़े बड़े दावे हैं। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, उसे कमेंट करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करें।